बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अडानी कहते थे लेकिन इनके तो एम भी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली है। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहने जुड़ायेला रहो SI News साथ।